एक बार की बात है, एक शेर रास्ते के किनारे लगे बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था। एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी, वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। नींद खराब होने पर शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। वो चींटी पर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। चींटी मौत के डर से कांपने लगी। जब भी किसी कहानी की शुरुआत होती है कुछ इसी तरीके से होती है। एक बार की बात है, वहां एक राजा था, उसकी तीन रानियां थी। एक बार की बात है, वहां एक नल था, उसमें पानी नहीं आता था। ऐसे ही होता है ना। यहां पर दो तरीके हैं, या तो आप केवल कहें वंस, केवल इतना कह देंगे तो बात सही है, वंस मतलब एक बार, या फिर अक्सर आपने स्टोरीज में देखा होगा वंस अपॉन अ टाइम। एक शेर सो रहा था, शेर को आप कहते हैं लायन, इसे गलत प्रोनाउंस कभी नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स इसे कहते हैं लॉयन, लॉयन नहीं लायन, लायन। अ लायन वॉज सो रहा था, अ लायन वॉज स्लीपिंग, कहां सो रहा था, बरगद के पेड़ के नीचे, अंडर अ बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद को क्या कहते हैं, बैनियन, अंडर अ बैनियन ट्री। अब आपके सामने सेंटेंस में आ रहा है रास्ते के किनारे, ये जो पेड़ है ये रास्ते के किनारे लगा हुआ था। तो जब भी रास्ते के किनारे की बात आती है ना, एट द रोड साइड, एक तरीका तो ये है, एट द रोड साइड। अच्छा, आप इसे कह सकते हैं अलोंग साइड द रोड, जो आपका मन हो आप उस तरीके से बोल सकते हैं, पर फिलहाल मैं आपको विकल्प बता रहा हूं। Alongside the road, sorry, इस साइड नहीं आएगा, Alongside the road, या फिर at the roadside, या फिर हम कह सकते हैं by the side of the road, by the side of the road। इन तीनों तरीके से अक्सर स्टोरीज में आप कहानियों में देखेंगे, तीनों में से कुछ भी यूज हो जाता है। एक चींटी उसी रास्ते से जा रही थी, an ant, एक चींटी जा रही थी, जाने को गो कहते हैं, गोइंग, या फिर यहां पर हम वॉकिंग भी तो कह सकते हैं, वॉकिंग। एन एंट वॉज गोइंग उसी रास्ते से, यानी थ्रू, उसी रास्ते के थ्रू, थ्रू द सेम रास्ते को रोड भी कह सकते हैं या फिर पाथ भी कह सकते हैं, थ्रू द सेम रोड या फिर थ्रू द सेम पाथ। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई। अब चढ़ गई मतलब ये नहीं कि क्लाइंब कर रही हो सीढ़ी पे, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है, चढ़ना का मतलब कि वॉक ओवर, जैसे आप चलते चलते किसी चीज के ऊपर से हो जाते हैं तो वॉक ओवर कहते हैं उसको। वो गलती से शेर के ऊपर चढ़ गई, शी, अच्छा गलती से, गलती से को मिस्टेकनली या एक्सीडेंटली भी कह सकते हैं, है ना, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, एक्सीडेंटली या फिर मिस्टेकनली। अच्छा, आपने यहां पर एक चीज नोट करनी है कि एक्सीडेंटली की स्पेलिंग आप देखिए, जैसे मिस्टेकन उसके साथ ली लगा दिया एल वाई, यहां पर ऐसा नहीं होता है, ए एक्सीडेंट ये था, उसके बाद ए डबल एल वाई, एक्सीडेंटली और मिस्टेकनली चढ़ गई, वॉकड ओवर। अच्छा, ये सब प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करते करते वॉकड ओवर या वॉकड ऑन या वॉकड अपॉन, इन तीनों तरीके से इसे एक्सप्रेस किया जाता है इस तरह की बात को। और चढ़ गई पास्ट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए सेकंड फॉर्म का यूज कर रहा हूं, और एक्सीडेंटली या मिस्टेकनली ये एडवर्ब्स हैं, इनका यूज सेंटेंस के एंड में भी कर सकता हूं, मैंने फिलहाल सेंटेंस की मेन वर्ब से पहले कर दिया है। शी एक्सीडेंटली वॉकड ओवर द लायन। अच्छा, नेक्स्ट, नींद खराब होने पर शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। नींद खराब होने पे यानी नींद डिस्टर्ब होने पे, अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि डिस्टर्ब होने पर तो आप कहेंगे ऑन बीइंग डिस्टर्ब्ड, लेकिन यहां पर हमने कहा नींद खराब होने पर, ऑन द स्लीप बीइंग डिस्टर्ब्ड, ये थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आएगा, ऑन द स्लीप बीइंग डिस्टर्ब्ड, बार बार इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो बहुत इजीली बनाने लगेंगे। शेर तेज दहाड़ते हुए उठा, द लायन उठा। उठा के लिए आप उठाना या उठने के लिए आप वेकअप कहते हैं, और ये पास्ट इनडेफिनेट टेंस में सेंटेंस, इसलिए वोकअप
द लायन वोक अप दहाड़ते हुए, जैसे मैं कहूँ खेलते हुए, प्लेइंग, आते हुए, कमिंग, जाते हुए, गोइंग, तो दहाड़ते हुए, दहाड़ने को रोर कहते हैं, रोरिंग। और कैसे दहाड़ते हुए? तेज, तेज को क्या कहते हैं? लाउड। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या है? ऑन द स्लीप बीइंग डिस्टर्ब्ड, नींद खराब होने पर, द लायन वोक अप रोरिंग लाउड, शेर तेज दहाड़ते हुए उठा। वो चींटी पर चिल्लाया, चिल्लाने को येल कहते हैं या शाउट कहते हैं। वो चिल्लाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, इसलिए यहां पर येल की सेकंड फॉर्म येल्ड का यूज हुआ। ही येल्ड या फिर ही शाउटेड, और इसके बाद येल के बाद या शाउट के बाद आपने एट देखा है ना, ही येल्ड एट द एंट, चींटी पर चिल्लाया। क्या कहा उसने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये तो अक्सर आपने सुना होगा, हाउ डेयर यू, सिंपल हाउ डेयर यू, ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खेलने की, हाउ डेयर यू प्ले, तो जिसकी भी बात हो रही है परेशान करने की, उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, हाउ डेयर यू। परेशान करने को बॉदर भी कहते हैं या फिर आप डिस्टर्ब भी कह सकते हैं, हाउ डेयर यू बॉदर मी। हो गया कंप्लीट सेंटेंस। चींटी मौत के डर से कांपने लगी, यानी कि उसने कांपना शुरू कर दिया। तो जब भी हम कहते हैं कि वो ये काम करने लगा, यानी उसने ये काम करना शुरू कर दिया, ये सेंस आता है। और शुरू करना के लिए आप स्टार्ट या फिर बिगिन का भी यूज करते हैं। तो मैं यहां पर पहले स्टार्ट का यूज कर लेता हूं। इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड का यूज होगा। The ant started, कांपने को शिवर भी कहते हैं, तो लेकिन उसके साथ ing का यूज करेंगे, क्योंकि स्टार्ट के बाद में अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट पे कोई वर्ब आती है तो वो किस फॉर्म में यूज होती है? जेरंड फॉर्म में, यदि ing फॉर्म में। The ant started shivering, मौत के डर से, with a fear of death, बस इतना सा सेंटेंस है। हाँ, ये बात अलग है कि यहां पर आप शिवरिंग की जगह पर ट्रेम्बलिंग भी कह सकते हैं। ट्रेम्बल मतलब भी कांपना होता है इस सेंस में, ट्रेम्बलिंग। द एंट स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग विद अ फियर ऑफ डेथ, या फिर इस पूरे की जगह पे स्टार्टेड शिवरिंग या स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग की जगह पे आप बिगिन का यूज कर सकते हैं। और जब आप बिगिन का यूज करते हैं, यहां पर बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगैन का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद आप टू का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज हो रहा है यहां पर, बिगेन टू ट्रेम्बल। तो आप यहां पर देख सकते हैं एक ही सेंटेंस को चार तरीके से बनाया जा सकता है। द एंट स्टार्टेड शिवरिंग विद अ फियर ऑफ डेथ, द एंट स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग विद अ फियर ऑफ डेथ, द एंट बिगेन टू शिवर विद अ फियर ऑफ डेथ, द एंट बिगेन टू ट्रेम्बल विद अ फियर ऑफ डेथ। इस तरह की कई ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस मैंने आपके लिए एक आर्टिकल में लिखी है, उस आर्टिकल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। उस आर्टिकल में आप जरूर जाइएगा और एक एक ट्रांसलेशन एक्सरसाइज को पहले खुद ट्राई करिए, और फिर आप बनाने के बाद फिर देखिए कि किस तरह से बनाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं, जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 6 months का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।